अक्सर आप एक गलती सबसे बड़ी करते हो और वो है टिक्स को हाथों से निकालना। कभी भी टिक्स अगर जो डॉग की बॉडी पे लगे हुए हैं, ब्लड सक कर रहे हैं, स्टिकिंग टिक्स जो हैं, इनको कभी भी अपने हैंड से मैनुअली नहीं निकालना है। ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत लोग करते हैं, इनफैक्ट सभी लोग करते हैं, और ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, खतरा बन सकता है आपके डॉग की हेल्थ के लिए। क्यों होता है ये जरूर वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा। टिक्स को जब हम हैंड से मैनुअली निकालते हैं तो टिक्स एक्चुअली क्या करते हैं कि टिक जो है अपने दांतों को ब्लड की स्ट्रीम में अंदर पियर्स करके रखते हैं। उससे क्या होता है कि उनको आसानी रहे खून को चूसने के लिए, तो लगातार ब्लड सक करते रहते हैं, माइक्रो एमएल में ब्लड सक करते रहते हैं, और ये खून जो है उनको फूड देता है, एज ए न्यूट्रिशन उनको मिलता है। और अगर आप उसी में अगर इनको छेड़ने लगोगे तो डीप सीटेड जो टिक्स होती हैं, जिनके दांत जो है ब्लड स्ट्रीम में डीपली सीटेड हैं, वो सडनली इरिटेट हो जाते हैं। और इरिटेशन में क्या होता है, उनको एंगर आता है, गुस्सा आता है, तो क्या करते हैं वो कि वो अपने टॉक्सिन्स को जो है, टिक टॉक्सिन्स जो होते हैं उसको रिलीज़ कर देते हैं ब्लड स्ट्रीम में। और ब्लड स्ट्रीम में टिक टॉक्सिन्स रिलीज़ होने के बाद खतरा हो जाता है, जैसे कि कभी कभी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आते हैं, बॉडी में डॉग्स के रैसेस पड़ जाएंगे, या फिर धीमे धीमे आगे चल के उसको टिक पैरालिसिस हो जाती है। टिक पैरालिसिस, टिक टॉक्सिकोसिस जिसे कहते हैं, इसमें वो लड़खड़ाए लगेगा, स्टैमरिंग करेगा, चल नहीं पाएगा। हेमिप्लेजिया जिसे कहते हैं, पीछे वाले पैर से चल ही नहीं पा रहा, गिर गया, हेमिप्लेजिया हो गया। तो ये इस तरह की टिक टॉक्सिकोसिस होती है, मेनली जो है टिक टॉक्सिन रिलीज होने के कारण होता है। ओके, सो आज के बाद जब भी आप टिक्स को अपने हाथ से निकालने जाइए तो सावधान हो जाइए, इनको हाथ से नहीं निकालना है। अब निकालना कैसे है, कैसे टिक्स हटेंगे, क्योंकि हमको टिक मैनेजमेंट करना है, सबसे अच्छा सोल्यूशन है स्पॉट ऑन लीजिए, उनके नेक एरिया में स्पॉट ऑन लगा दीजिए। मेरी वीडियो है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, हाउ टू अप्लाई स्पॉट ऑन, तो आपको मिल जाएगा। तो स्पॉट ऑन लगा देंगे, वेट कीजिए, 8 से 10 घंटे के बाद सभी टिक्स निकल जाएंगे ऑटोमेटिकली, और टिक टॉक्सिकोसिस नहीं होगा, क्योंकि वो पैरालाइज हो जाते हैं, ब्लड सक नहीं कर पाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आसान तरीका है। इसके अलावा आप खिला भी सकते हैं, सिंपेरिका की टैबलेट आती है, ब्रेवेक्टो की टैबलेट आती है, नेक्स्ट गार्ड की टैबलेट आती है, इसको आप ओरली खिला दो, 6 घंटे के अंदर इंस्टेंट किल होने लगेगा और फिर 6 से 12 घंटे के अंदर सभी टिक्स मर जाएंगे। तो वो सबसे ईजी तरीका है, हार्मलेस तरीका है। तो ये करना है आपको, आज के बाद ध्यान रखिए, कभी भी टिक्स को अपने हाथों से मत निकालिएगा। अब आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, नंबर है 8542049490, इस पर आप कॉल कीजिए और अपॉइंटमेंट शेड्यूल कीजिए एंड देन डिटेल्स को व्हाट्सअप कीजिए। थैंक यू।